Everybody, this is Brajesh here, और आप देख रहे हैं CABA Infoventry। आपको याद ही होगा, शुरू में UPI के केस में बहुत ज्यादा कैशबैक मिलता था। किसी ट्रांजेक्शन पर 100 रुपए, किसी पर 200 रुपए तक भी, और यहां तक कि किसी ट्रांजेक्शन में 500 रुपए तक। तो हर छोटी बड़ी UPI ट्रांजेक्शन पर आपको कुछ ना कुछ कैशबैक नॉर्मली मिलता ही है। इसमें आपको अगर क्रेडिट कार्ड से आप अपना कोई पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो उनकी वैल्यू भी इंक्लूड होती है। इस तरह से मिले हुए आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक, क्योंकि आपको अनरिलेटेड पार्टी से मिल रहे हैं, तो ये आपके हैंड्स में गिफ्ट मानी जाती है और वो टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स के अंदर अंडर सेक्शन 56-10। और अगर पूरे साल में इसकी ओवरऑल वैल्यू 50,000 रुपए को क्रॉस कर जाती है इस अमाउंट की, तो ये आपके हैंड्स में एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टैक्स करा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स का स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको इस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपको एक साल में टोटल कैशबैक और रिवॉर्ड्स की पेमेंट के रूप में 55,000 रुपए इस तरह से UPI से मिलते हैं, तो ये पूरा का पूरा 55,000 रुपए आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर आपको अपने नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। अब अगर आप UPI अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से रिसीव करते हैं तो उस केस में वो या तो लोन होगा या फिर गिफ्ट होगा, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूफ करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने। कई बार आप लोग ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं जिनकी कोई रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी नहीं होती है, फिर भी रिवॉर्ड्स पॉइंट जीतने के लिए आप ऐसे ट्रांजेक्शंस UPI के थ्रू करते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो अमाउंट आप अपने रिलेटिव से रिसीव करते हैं उसे इनकम टैक्स के अंदर आपकी इनकम नहीं माना जाएगा अगर वो रिलेटिव इनकम टैक्स में दी गई डेफिनेशन के हिसाब से है, और आप उसे लोन दिखा सकते हैं या फिर गिफ्ट दिखा सकते हैं। अगर आप उसे एज ए गिफ्ट ट्रीट करते हैं फ्रॉम योर फैमिली एज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो ये आपके हैंड्स में टैक्स फ्री होगा और इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेगा। अब अगर आप कोई पैसा रिसीव करते हैं किसी ऐसे पर्सन से जो कि इनकम टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से रिलेटिव में फॉल नहीं करता है, और आप ये कहते हैं कि ना तो आपने उसको कोई सेल की थी और ना ही कोई सर्विस प्रोवाइड करी थी, तो अगर एक साल में ये अमाउंट 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है
तो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके हैंड्स में एज ए गिफ्ट मान लिया जाएगा और वो फिर एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपके हैंड्स में टैक्स हो जाएगा। अब अगर आप उसको एज ए लोन प्रूफ नहीं कर पाते हैं विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिफोर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो अगर आप ये बताते हैं कि ये मैंने लोन लिया है उस व्यक्ति से, तो इसकी बुक्स में प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए और आप ये कह सकते हैं कि ये मुझे उस आदमी को वापस करना है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, अदरवाइज ये गिफ्ट मानते हुए आपके हैंड्स में टैक्स हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे ई मित्र या फिर कस्टमर सर्विस सेंटर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, वो ऑनलाइन रिचार्ज कराते हैं, वो क्या करते हैं, तो जैसे अगर कोई दूसरे स्टेट में रहने वाला आदमी है और वो उसके पास जाता है और वो अगर अपने कोई रिलेटिव को 10,000 रुपए गांव में भेजने होते हैं तो वो उसको मनी ट्रांसफर कर देता है और उसके लिए वो 100 या 200 रुपए एज ए सर्विस चार्ज ले लेता है। ऐसे केस में जो वो दुकान वाला सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मनी बेचकर या मनी रिसीव करके, ये उसकी इनकम नहीं है, इसकी इनकम होगी वो जो 100 या 200 रुपए जो वह उससे एज ए कमीशन चार्ज करता है। अब ऐसे ही वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं, मोबाइल का बिल पेमेंट करते हैं या आपका मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो इसके लिए वो जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है। अब सपोज कीजिए आपका 2,000 रुपए का बिजली का बिल का पेमेंट आपने उस सर्विस सेंटर के थ्रू किया है और वो उस पर आपसे 50 रुपए एज ए सर्विस चार्ज लेता है, तो उसने जो 2,000 रुपए आपसे रिसीव किए हैं वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, बल्कि सिर्फ जो उसने 50 रुपए आपसे लिया है एज ए सर्विस चार्ज वही उसकी इनकम होगी। तो केवल जो कमीशन उसने अर्न किया है वही उसकी इनकम होगी। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने 10,000 रुपए इन लोगों के थ्रू अपने किसी रिलेटिव को भेजे हैं और उससे 200 रुपए उसने एज ए सर्विस चार्ज लिए हैं, तो वो 10,000 रुपए उसकी इनकम नहीं होगी, बल्कि जो उसने 200 रुपए कमीशन या सर्विस चार्ज लिया है वही उसकी इनकम होगी। इसमें से भी जो उसने उस इनकम को या कमीशन को अर्न करने के लिए जो खर्चा किया है, लाइक सैलरी, रेंट, टेलीफोन और बहुत सारे दूसरे ऐसे खर्चे जो उसने इस इनकम को अर्न करने के लिए किए हैं, उनको घटाने के बाद पूरे साल में जो नेट प्रॉफिट बचेगा वही उसकी इनकम होगी और उसी पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर उस व्यक्ति की इस तरह की जो इनकम है वो एक साल में 5,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है सारे खर्चे निकालने के बाद, तो पहली बात तो उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उस पर जो भी एप्लीकेबल रेट से टैक्स बनता है वो भी पे करना पड़ेगा। अगर एक साल में उसकी टोटल रिसीट 20,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, उसका मंथली रिटर्न भी जमा करना पड़ेगा और जो एप्लीकेबल टैक्स बनता है वो भी जमा कराना पड़ेगा। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि उस व्यक्ति को
अपना ये पूरा रिकॉर्ड रखना होगा कि उसने किस व्यक्ति से, उसका नाम, उससे किस काम के लिए कितना पैसा लिया और उस पर उसने कितना कमीशन चार्ज किया। ये सारा का सारा रिकॉर्ड उसे अपने पास रखना पड़ेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए ये रिकॉर्ड उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाना भी पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं उन शॉपकीपर्स की जो कि अपने यूपीआई के रूप में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे लेते हैं और इसके अलावा दूसरे बैंकों का यूपीआई आपको इन दुकानों पर भी मिल जाएगा। आपको आजकल हर दुकान पर एक नहीं बल्कि एक से बहुत ज्यादा इस तरह के यूपीआई के स्कैन टर्मिनल मिल जाएंगे। तो ऐसे शॉपकीपर्स या तो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो भी पैसा उनके बारकोड से स्कैन होने के बाद उनके खाते में जा रहा है तो उसको उनकी सेल या रिसीट फ्रॉम सर्विसेज माना जाएगा। जनरली ये देखा गया है कि लोग अपने इस तरह के यूपीआई अकाउंट को अपने सेविंग अकाउंट से अटैच करा लेते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप अपने यूपीआई अकाउंट को अपने करंट अकाउंट से अटैच कराइए, ना कि सेविंग बैंक अकाउंट से। तो अगर आपकी एक साल में रिसीट 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो बेहतर यही होगा कि आप उसको अपने करंट अकाउंट से अटैच कराइए, ना कि सेविंग बैंक अकाउंट से। इस तरह से जो भी आपको पैसा रिसीव होगा वो आपकी बिजनेस रिसीट मानी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें से आपकी जो परचेस प्राइस है वो घटा दी जाएगी और इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं लाइक सैलरी, टेलीफोन, रेंट एटसेट्रा, वो सब भी कम कर दिए जाएंगे और आपको जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ अपने नेट प्रॉफिट पर ही पे करना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए।